हाय दोस्तों, मैं हूं जमशेद रज़ा प्रोफेशनल ट्यूटोरियल की जानिब से, और ये है हमारा पांचवा लेसन जिसमें हम फीडर के बारे में पढ़ेंगे, जो एडा फोटोशॉप की एक बहुत ही लाजमी और इम्पोर्टेंट सिलेक्शन की एक ऑप्शन है। तो फीडर क्या है और इसे हम लोग किस तरह यूज़ करते हैं एडा फोटोशॉप में, आइए देखते हैं इस वीडियो में। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ये तस्वीर खोल दिया है और यहाँ पर हम लोग आएंगे सिलेक्शन पर। तो सिलेक्शन पर आप प्रेस करने के बाद आप कुछ इस तरह के ऑप्शन देख सकते हैं, जो हम लोगों ने पिछले लेसन नंबर 4 में भी चेक किया था, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इसकी कंप्लीट डिटेल देख सकते हैं उस वीडियो में। तो अगर आपके पास एलिप्टिकल मार्की टूल, हम लोग फ़िलहाल सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर आपके पास फीडर की ऑप्शन है, जो कुछ आपके पास ये चीज़ दिखाई देगा। इनिशियली आपके पास क्या होगा, ज़ीरो ही होगा। तो अगर मैं इसको क्या करूं, फीडर को बढ़ा दूं, यानी ये पिक्सल हैं 50 पिक्सल के हिसाब से, तो मैं जब सिलेक्शन करूंगा तो हम लोग क्या करेंगे, कॉपी करेंगे इसको। कॉपी करने के बाद इसको न्यू करूंगा। न्यू करने के बाद हम लोग मैं वेब पे आता हूँ। वेब पे आने के बाद हमारे पास क्या होगा, कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा, तो मैं क्रिएट कर देता हूँ। क्रिएट करने के बाद मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो आप चेक कर सकते हैं कि हमारे पास एक ख़ास किस्म की जो है ओपसिटी, जो फेड आउट हो रही है इस इमेज में, हम लोग देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक सॉलिड बनाऊँ, लेयर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है डिफरेंट सॉलिड कलर पे आऊँगा, कंप्लीट ब्लैक कर दूँगा, ओके करूँगा। इस लेयर को हम लोग नीचे ले आएंगे, तो आप इस तरह की इफ़ेक्ट देख सकते हैं जो फेड आउट हो रही है यहाँ से यहाँ तक। ये किस वजह है, किस वजह से है, ये फीडर की वजह से ही है। फिलहाल मैं इसको हाइड कर देता हूँ। हाइड करने के बाद आप क्या करेंगे, एक बार फिर सिलेक्शन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर मैं इसको ज़्यादा करूँगा, जो कि 100 होगा। तो 100 करने के बाद मैं इसको फिर से कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट करते हैं। तो आप चेक कर लें कि यहाँ पर हमारे पास एक ख़ास किस्म की इफ़ेक्ट बन रही है, जो कि यहाँ फेड आउट हो रही है और यहाँ पर भी इसी तरह हम लोग कुछ देख सकते हैं। अगर मैं कंट्रोल टी कर दूँ और इसे कुछ जूम आउट कर दूँ, तो आप कुछ इस तरह की इफ़ेक्ट देख सकते हैं, जो बहुत काफ़ी ही खूबसूरत है। और इसकी जो फेड आउट हो रही है, इसको हम लोग यहाँ पर और यहाँ पर ये बैकग्राउंड के साथ मर्ज हो रही है। अगर मैं बैकग्राउंड ख़त्म कर दूँ, तो आप वाइट बैकग्राउंड में कुछ इस तरह देख सकते हैं। ये हमारे पास 100% फीडर और ये हमारे पास है तकरीबन 50 पिक्सल फीडर मौजूद है। तो बैकग्राउंड को ऑन करने के बाद आप ये देख सकते हैं हमारे पास 100% फीडर और ये है हमारे पास 50% फीडर। अभी मैं बढ़ाता जाऊँगा इसको तकरीबन 150% तक। तो 150% तक मैं बढ़ाऊँगा, तो इसमें सिलेक्शन करूँगा। सिलेक्शन करने के बाद कंट्रोल सी करके कॉपी करेंगे, फिर मैं पेस्ट करूँगा। तो आप चेक कर सकते हैं कि अभी इसकी जो ऑपसिटी है काफ़ी बढ़ गई है, यानी कि ये जो है यहाँ से फेड आउट हो रही है। जो हमारे 50% का था वो यहाँ से था, आंखों के पास से तकरीबन, लेकिन 150 में हमारे पास ये बिल्कुल कवर कर रहा है आंखों को भी, और ये एक अच्छा खासा इफ़ेक्ट हमें मिल रहा है इस फीडर के साथ। तो अगर मैं लेयर को सिलेक्ट करके यहाँ पर ले आऊँ, यहाँ पर कुछ राइट कर लूँ, तो मैं एक ख़ास किस्म की इफ़ेक्ट इसको यूज़ कर सकता हूँ, जो कवर बुक है और डिफरेंट अदर जो हमारे पास ऑप्शन है उसमें भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो आप फीडर के साथ एक्सपेरिमेंट कर ले, चेक कर ले कि कितनी फीडर कि पिक्सल जो है मैं रख लूं और कहाँ तक ये मुझे इफ़ेक्ट देगा। जो हमारे केस में फर्स्ट जो ये था 50%, ये हमारे पास है 150% और ये है हमारे पास 100 पिक्सल। तो इस तरह के आप एक्सपेरिमेंट करके चेक कर सकते हैं कि मैं किस इफ़ेक्ट को यहाँ पर ला सकता हूँ। तो इसी हिसाब से आप फीडर की ऑप्शन को डाल सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये जो है ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा, और इस तरह के हम लोग मज़ीद ट्यूटोरियल इंशाल्लाह अपलोड करते जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो थम्स अप कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर आप फेसबुक में चेक कर रहे हैं, तो प्रोफेशनल ट्यूटोरियल को लाइक कीजिएगा और फर्स्ट ऑप्शन, जो फर्स्ट सी ऑप्शन है, उसको भी एक्टिवेट कीजिएगा। अगर आप यूट्यूब में चेक कर रहे हैं, तो यूट्यूब में अगर आपकी फ़र्स्ट
मरतबा है आप हमारे चैनल को चेक कर रहे हैं, तो इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, थम्स अप कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं हूँ जमशेद रज़ा, मिलते हैं नए लेसन में। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।